हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है, नेक्स्ट मंथ हमारे घर में शादी है, उसी की शॉपिंग में हम लोग लगे हैं। पिछली वीक हम लोग चांदनी चौक गए थे, बट वहाँ पे कुछ फाइनल नहीं हुआ। आई मीन टू से मेरा शॉपिंग मैं अपने लिए गई थी, बट वहाँ पे मुझे कुछ अच्छा दिखा नहीं, या फिर मुझे बहुत सारी शॉप है बट मुझे शॉप का नॉलेज नहीं है वहाँ पे कौन कौन सी शॉप है, सिवाय एक शॉप के, अरुण वस्त्र भंडार शॉप के अलावा मुझे कुछ नहीं पता है वहाँ का। तो मैं हम लोग आ गए आज कोहाट। अब कोहाट इसलिए आए थे, कोहाट में तो वैसे हम लोग हमेशा आते जाते रहते हैं, यहाँ हमारी शॉपिंग होती रहती है। हमारे घर से सिर्फ बाय ई रिक्शा 10 मिनट का रास्ता है, तो हम लेते रहते हैं। लड्डू के लिए फर्स्ट क्राई है, तो कपड़े ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें, ज्वेलरी वगैरह, तो यहाँ का तो आइडिया है हमें। तो यहाँ पे एक है डालमिया, ललित डालमिया की शॉप है, जो कि बहुत लोगों को पता होगा, फेमस ब्रांड है, स्टूडियो है। तो वहाँ पे मुझे जाना नहीं था, बट मैं पिछली वीक मैं गई थी एक बर्थडे पार्टी में, और वहाँ पे मैंने एक भाभी से वहाँ मिली। मैं एक्चुअली इनके फ्रेंड के लड़की का बर्थडे था, तो वहाँ पे एक भाभी आई थी, उन्होंने बोला कि आप डालमिया में जाओ, आपको वहाँ पे जो भी प्राइस आप बोलोगे उस प्राइस से स्टार्टिंग होता है उनका कलेक्शन। पहली बात उन्होंने बोला साड़ी भी है अवेलेबल और पार्टी वियर लहंगा भी। पहली बात मैं आप लोग को बता दूं गाइस, आधा अधूरा ज्ञान और आधा अधूरा नॉलेज आपको शर्मिंदगी और जोखिम जोखिम में डाल सकता है, जो कि हमारे साथ हुआ। उनकी बात ये सुन के हम यहाँ आ गए डालमिया में। हमें नहीं पता था, ये मुझे पता था, मैंने नेट पे देखा था और मुझे पता था कि ये इनका फिक्स प्राइस होता है, वहाँ यहाँ पे 1 लाख से ही स्टार्ट होता है हर एक चीज़। मतलब ब्राइडल लहंगा ही आपको मिलेगा 1.3 1.2 ऐसे करके, मतलब लाख से ही ऊपर, 1 लाख से ही स्टार्ट है। 50,000 का अगर लोगे या 40, तो इस रेंज में आपको कुछ भी नहीं यहाँ मिलना है। बट उन्होंने इतना मुझे कन्विंस किया ना कि एक बार आप जाइए, अपना बजट बताना। पहली बात तो यहाँ साड़ी मिलता नहीं है, दूसरी बात जो उन्होंने बजट बोला वो भी अवेलेबल नहीं है, तीसरी बात कि मुझे पता था, उनकी बात मैं सुन के उन कन्विंस मैं होके मैं यहाँ आ गई। और बस हमारे साथ जो हुआ मैं क्या ही बताऊँ आपको, तो उनकी बात सुन के हम लोग आ गए। और मैंने जब बोला उनको पार्टी वियर लहंगा दिखाओ, पार्टी वियर लहंगा तो होता ही नहीं है, कस्टमाइज वो लोग करा देते हैं। ब्राइडल लहंगा है, ललित डालमिया जो है फेमस है ब्राइडल लहंगा के लिए, तो मुझे ब्राइडल लहंगा चाहिए भी नहीं। ऑल्सो मेरा इतना बजट भी नहीं है, 1 लाख बहुत ज़्यादा अमाउंट है मिडिल क्लास वालों लोग के लिए। बट उनकी बातें जो है ना सुन के हम लोग आ गए, तो वही हमारे साथ हुआ। हम लोग गए वहाँ स्टूडियो में और बस हमने अपना प्राइस रखा और हम बाहर आ गए। हालांकि रिसेप्शन पे जो हमें फॉर्म फिल करवाया गया था, वहाँ पे अलाउ नहीं है कि आप एक बजट बताओ कि इतना से स्टार्ट है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं, देखने में तो लगते नहीं है कि हाँ लेंगे, बट बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 1 लाख का ऊपर का ही लहंगा अफोर्ड कर लेते हैं, मतलब खरीद लेते हैं। इसीलिए वो रिसेप्शनिस्ट लोग को नहीं अलाउ किए हैं कि आप बजट बताओ, उन्होंने बताया नहीं और हम गए थे, तो हमारे साथ यही हुआ। तो मुझे तो आइडिया था कि ये है वहाँ पे, बट उनकी बातें सुन के मैं थोड़ा सा, मुझे लगा होप वो वीडियो देखेंगी तो उनको पता चल जाएगा। तो गाइज़ वहाँ से हम बाहर निकले ओढ़नी। अब ओढ़नी इज़ द बेस्ट, सच में बताऊँ, आपके बजट में आएगा। पहली बात यहाँ 10,000 से स्टार्टिंग है, 10,000 से लहंगा स्टार्ट है, क्रॉप टॉप भी है जो कि आपको पाँच जो हजार तक का स्टार्टिंग मिल प्राइस जाना है है, 10,000 पर से है जो यहाँ स्टार्टिंग पे लहंगे हैं ओढ़नी दस में, हजार से बट स्टार्ट है, आपको बेस्ट चीज मिल जानी है, आपके बजट में ही आ जाएगा। मतलब आप अगर आपके घर में शादी है तो 10K, 10K या 20K, 30K इतना तो मतलब आप लगा ही सकते हो, उस रेंज में आपको अच्छी लहंगे यहाँ मिल जानी है। तो आप देख सकते हो जो कि आपको वीडियो में दिख रही है, एक वन सिंगल सिंगल पीस ये जो इसका है कलर दीदी यही दिखा एक रही है, है, वन पीस कलर। और थोड़ा सा कलर का होता है ना कि जो चीज़ सिंगल पीस होती है उसमें कलर नहीं होता है, वन पीस होता है, तो ये भी बहुत बड़ा बहुत प्यारा पीस लग रहा था मुझे, बट मुझे थोड़ा सा और देखना था। तो ये मतलब 1 बाय 1 करके इन लोगों ने बहुत ज़्यादा लहंगा दिखाया मुझे, मतलब कंफ्यूज हो जा रही थी मैं कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। और एक हमारा जो बजट था उसमें भी तो हमें करना था, बट कलेक्शन इनके पास बहुत सारे हैं गाइस। तो आप अगर आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन है, वेडिंग वाला, तो आप यहाँ पे आए
और आपको एक से एक लहंगे आपको आपके बजट में, मतलब आपका बजट अगर 10 से ऊपर है तभी यहाँ आए, 10 से नीचे तक का भी है वो क्रॉप टॉप आपको मिलेगा, लहंगा नहीं, क्रॉप टॉप 5-6-7 हज़ार तक का मिल जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल लहंगा डन, मतलब फाइनली जो इतनी मुझे खुशी मिल रही है, शादी वाला जो दिन का जो लहंगा था ना, मैं सोच रही थी कि एक ही नज़र में पसंद आए और मैं उसको डन कर दूं, वही मेरे साथ हुआ। ओढ़नी में मुझे एक ही नज़र में पसंद आया लहंगा और मैंने उसको डन करवा लिया। अब लहंगा एक हफ्ते बाद मिलेगा, फिनिशिंग है थोड़ा सा उसका, जो ब्लाउज है उसको भी ऑल्टर करना है, तो 1 वीक बाद। दूसरे दिन हम अगेन आ गए कोहाट। अब हमें जब लहंगा डन हो गया है तो साड़ी भी तो चाहिए, अब शादी वाला घर है ऑब्वियसली साड़ी तो बेस्ट होता है ना पहनना रेगुलर, या फिर जो भी फंक्शन, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं उसमें, उसके लिए हम लोग आ गए अगेन कोहाट में साड़ी देखने। देखिए है कश्मीरी और आलू दाल और नहीं ऐसे पूरी गोल्डन है, हाँ आपके पास कोई डिजाइन है उस टाइप में ढूंढना चाह रही है, कुछ शेयर करोगे जब मैं आपको डाल दूँगा। मैं जो ढूंढ रही हूँ वो तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, नहीं मिल पाएगा जैसे। ये वाली भी सारी अच्छी है, मतलब कलर मेरा है। हाँ ये वाला दिखा दो, अच्छा ये वर्क जरी का वर्क है, ये जरी वर्क और कटदाने के साथ वर्क, पूरी साड़ी है, पूरी साड़ी में वर्क मिलेगा। इसका ब्लाउज फैंसी में ब्लाउज आएगा, ये ब्लाउज आएगा बाजू के ऊपर वर्क आ जाएगा और बैक पे काम आएगा। फुल स्लीव है, स्लीव पूरा है, स्लीव पूरा है, यहाँ तक अगर बनवाना चाहे कढ़ाई नहीं आती, कढ़ाई हटा दो वेट, आप चाहे यहाँ तक बनवा लो। अच्छा क्योंकि कढ़ाई जो आती है ना वो यहीं तक आती है। ये 20 की है, 19 की है, 15 की पड़ेगी, 15 हज़ार की, वही काम जिस तरीके से आप चाह रहे हो ना हैवी जाल के साथ, तो उस तरीके से जाल का काम करेगा। ये पूरी साड़ी कौन सी साड़ी है, ये सिल्वर जॉर्जेट के ऊपर है, प्योर के ऊपर। भाई ये सारा जितना काम देगा सारा हाथ का काम है, कोई मशीन का काम नहीं है इसमें, ठीक है, टका हाथ से लगाता है। ये 15 हज़ार की है, ये 19 हज़ार रुपये की, 15 की पड़ेगी, 10 का अभी देख लिया मैं, नहीं बस इसी तरीके से देखता हूँ येलो में। हाँ मैं करूँगा, एक दिन की जो है बात है वो इस रेंज की नहीं है, ये थोड़ा सा कम रेंज जो है, प्राइस जो है थोड़ा सा कम, कम रेंज में तो फिर आप एक हल्दी के ये देख लेंगे ना आपको। तो गाइस ब्लॉग लंबा हो जाएगा इसलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा और बहुत बढ़िया बढ़िया धमाकेदार वीडियो आने वाले हैं, तो मेक श्योर कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। ये नीचे नीचे